हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छुट्टी का दिन, जिसको लिखा है हामिद हसन कादरी साहब ने, जो कि एक बहुत खूबसूरत सी नज्म है जो कि बच्चों के लिए लिखी है। छुट्टी का दिन की यानी पढ़ने के साथ साथ खेलना भी चाहिए, छुट्टी के दिन खूब खेलना चाहिए, क्योंकि शायर ने इस नज्म में यही बात बताई है। तो चलिए हम सभी पढ़ते हैं। लेकिन ये नज्म शुरू करने के पहले हम सभी हामिद हसन कादरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। मौलवी हसन कादरी कस्बा बछराव जिला मुरादाबाद के एक जमींदार खानदान में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? मौलवी हामिद हसन कादरी साहब, बछराव जिला मुरादाबाद। ओके, बछराव में एक इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद मदरसा आलिया रामपुर में दाखिल हुए। 1909 में 10वीं दर्जा का इम्तिहान पास किया। मुंशी के इम्तिहान में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 में अव्वल पोजीशन हासिल करके कामयाब हुए। मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहियत के साथ इम्तिहान नात 1911 में लाहौर से पास किए थे। ओके बच्चे, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें कि कौन सी तालीम की कहाँ पे मुकम्मल हुई। महू छावनी के एक पारसी स्कूल में 1912 में बहैसियत उस्ताद तकर्रर हुआ। अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में दरस व तदरीस के फराइज को अंजाम देते रहे। 1913 टू 1927 के दौरान हलीम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से काम करते रहे। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1927 में लेक्चरर मुकर्रर हुए और 1945 में इसी कॉलेज में सदर शोबे फारसी और उर्दू तकर्रर हुआ। 1954 में इसी ओहदे से सुबुकदोश हुए। मौसूफ उर्दू जबान के अदीब, नाकिद, मुबस्सिर, शायर, मुतरजिम, मुअर्रिख और तारीख गो थे। उन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ की थी। कितनी की थी बेटा? 60 यानी 60 किताबें इन्होंने लिखी थी। जिस जमाने में वो कानपुर में मुकीम थे, उसी अरसे में उन्होंने बच्चों का उर्दू रिसाला सईद जारी किया था। सईद एक उर्दू का रिसाला है, ठीक है, जो कि बच्चों के लिए लिखी गई थी, जो कई बरस तक जारी रहा। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमोज कहानियाँ तसनीफ की गई। कई अहम अफसानवी की अहम फारसी किताबों के तर्जुमे उर्दू में शाये किए गए। मौसूफ की नहायत अहम तसनीफ दास्तान तारीख उर्दू है, जिसमें उर्दू नस्र की तारीख इब्तदाई दौर से लेकर यानी 1960 तक मैं नमूना नस्र व दस्तावेजी हैसियत रखती है। तो बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने मौलवी हसन कादरी के बारे में अच्छे से, मौलवी हसन यानी हामिद हसन कादरी के बारे में अच्छे से समझा पढ़ा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अब हम सब इनकी नज्म को अच्छे से पढ़ेंगे, तशरीह भी करेंगे। यानी छुट्टी का दिन नज्म में क्या बोला है, इन्होंने क्या कहा है बेटा। यानी हामिद हसन कादरी साहब ने कहा है कि इल्म और खेल के बारे में शायर ने बताया है कि ये हमारे लिए बहुत मुफीद है, यानी बच्चों के लिए। नज्म का उन्वान जो भी इन्होंने रखा है, छुट्टी का दिन, कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये मशवरा दिया है इसमें कि छुट्टी के दिन खूब खेलें, क्योंकि खेलने से जिस तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। शायर ने मिसालों और तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया है ताकि आप इससे खुश होके पढ़ें। ओके, जिस तरह पानी देने से पौधे पेड़ बन जाते हैं, उसी तरह खेलने से भी दिमाग हमारा कितना तेज़ हो जाता है। आप सबको पता है खेलना कितना ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल के बच्चे बेटा, अफसोस की बात है कि ऑल टाइम मोबाइल, कंप्यूटर, इसी सब पे, इंडोर गेम्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कोशिश करें कि बाहर की दुनिया में भी निकलें और खेलें, ठीक है। और एक मिसाल तो ये भी दी है कि गाड़ी के उस पहिए की सी है जिसमें तेल डालने से वो सही हरकत करने लगता है। यानी कोई भी ऐसी गाड़ी हो, जब उस पे तेल ना हो तो वो चलती नहीं है, घर घर करती है, लेकिन जब उसमें तेल डाल दो तो वो खूब तेज़ भागने लगती है ना। तो इल्म वैसे ही ठीक, जैसे इल्म हासिल करने से बच्चे समझदार बनते हैं और खेलने से उनके दिल फूलों की तरह खिल उठते हैं और खुश रहते हैं। फूलों की तरह खिल उठना यानी बहुत खुश और खुर्रम रहते हैं वो। वक्त
पर खेलने वाले बच्चे न सिर्फ तंदुरुस्त रहते हैं बल्कि जहन भी उनका काफ़ी तेज़ होता है। बेटा हामिद हसन कादरी ने कादरी साहब ने ये नहीं बोला कि आप ऑल टाइम हर वक्त खेलते रहिए, पढ़ाई मत करिए। इन्होंने ये बोला है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, तशरीह इसकी कैसे है बेटा। प्यारे बच्चों आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो आज है छुट्टी का दिन। तेज हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। है जरूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। क्या कह रहे हैं, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए इल्म से। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे बेटा, इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, तेल से जिस तरह जलता है चिराग। क्या बोला, तेल से जिस तरह जलता है चिराग। खेल से बढ़ती है सेहत, इस तरह भाप से चलता है इंजन जिस तरह। अब इतने की तशरीह हम सभी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तशरीह मतलब एक्सप्लेन कर लेते हैं। शायर कह रहा है, यानी हामिद हसन कादरी साहब कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आज छुट्टी का दिन है, आज खूब खेलो। खेलने से बच्चे तेज हो जाते हैं, खूब चंचल हो जाते हैं, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल डालने से अच्छी तरह से चलते हैं, उसी तरह पढ़ने के साथ साथ खेलने भी बहुत ज़रूरी है, जैसे पानी डालने से दरख्त बढ़ते हैं। इल्म से दिमाग रोशन होता है, क्या होता है, देखो इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग। कह रहे हैं इल्म से दिमाग रोशन होता है, तेज होता है, जिस तरह तेल डालने से चिराग ज़्यादा रोशनी देता है, ज़्यादा उजाला देता है। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से सेहत हमारी बिल्कुल अच्छी बनी रहती है। शायर ने दूसरे मिसरे में पता है क्या बोला है, तो कह रहे हैं खेल से बढ़ती है सेहत, इस तरह भाप से चलता है इंजन जिस तरह। यानी कह रहे हैं कि जिस तरह भाप से इंजन चलता है, उसी तरह खेल से जिस्म में भी ताकत आती है। ये सारी चीज़ें पता है आप सबको, लेकिन आजकल के बच्चे क्या आप करते हो, कोई मोबाइल मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, किसी भी सिस्टम पे आप बैठोगे तो सिर्फ आप गेम खेलोगे, पबजी। ये दुनिया भर के पता नहीं उटपटांग गेम्स आजकल निकले हुए हैं, जिसको आप सभी ने अपने ऊपर हावी कर लिया है। लेकिन नहीं बेटा, हामिद हसन कादरी साहब कह रहे हैं कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ आप सभी खेलो। ये नहीं कि आप पढ़ाई को एक साइड कर दो, ऑल टाइम गेम ही खेलते रहो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर से मैं बताती हूँ कि खेल से बढ़ती है सेहत, इस तरह भाप से चलता है इंजन जिस तरह। इल्म से यूं पुख्ता होता है मिजाज, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। खेल से होता है खुश दिल, इस तरह फूल खिल जाएं हवा से जिस तरह। ठीक बेटा, आप सब ने समझा, आगे भी बढ़ते हैं, फिर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यानी तशरीह करेंगे। खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त, जहन हो जाता है तेज और जिस्म चुस्त। है जरूरी इल्म भी और खेल भी, हो ना हो दोनों से तुम गाफिल कभी, हो ना इन दोनों से तुम गाफिल कभी। वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो, खूब खेलो खेल का जब वक्त हो। कितनी अच्छी बात बोली है हामिद हसन कादरी साहब ने। ये बेटा इस शेर में शायर क्या कह रहा है कि बहुत सारी मिसालें देते हुए समझा रहे हैं आपको कि जिस तरह सूरज की गर्मी से, क्या कह रहे हैं, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज पकता है, ठीक उसी तरह इल्म से मिजाज में पुख्तगी आती है। यानी हमारा दिमाग खूब अच्छा हो जाता है, बहुत समझदार, सोचने समझने की हमारे अंदर सलाहियत आ जाती है। दूसरे शेर में शायर ने कहा है, दूसरे शेर में क्या कहा, कह रहे हैं कि हवा चलने से जिस तरह फूल खिल जाते हैं, ठीक उसी तरह खेलने से दिल खुश हो जाता है। खेलना इसीलिए भी ज़रूरी है कि इससे बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, जहन तेज और जिस्म चुस्त हो जाता है। शायर बच्चों को नसीहत करते हैं कि इल्म हासिल करने के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं, इल्म हासिल करने के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों से गाफिल नहीं रहना चाहिए। यानी हमें इन दोनों से बिल्कुल भी गाफिल, बेखबर, बेपरवाह नहीं रहना चाहिए। यानी पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो
हामिद हसन कादरी साहब कह रहे हैं कि ए मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल गौर से सुनो मेरी। जब पढ़ने का वक्त आए तो खूब दिल लगा के पढ़ो, और जब खेल का वक्त हो तो खूब खेलो, खूब खेलो। तो बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर, ये नज़्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, क्योंकि सारी आपके ही भले की बातें की गई हैं। इल्म हासिल करने के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, ये बात आप सभी गांठ बांध लें। ठीक है बेटा, एक चीज़ मैं इसमें समझाती चलूँ कि हामिद हसन कादरी साहब ने इस नज़्म में जगह जगह खेल के फ़ायदे बताते हुए कुछ मुख्तलिफ, कुछ डिफरेंट तरह की, अलग तरह की मिसालें पेश की हैं। जैसे खेल से दिल इस तरह खुश हो जाता है जैसे फूल खिल जाएं, ठीक एक ये हो गया। इल्म से दिमाग रोशन हो जाता है जैसे तेल से चिराग। तो एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बताने को तशबीह कहते हैं। लेकिन आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे इस तरीके से, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। यानी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बताने को हम तशबीह कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास भी एक एग्ज़ाम्पल है कि नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। यानी शायर कह रहा है कि मेरे महबूब के ओठ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बिल्कुल जैसे गुलाब की पत्तियों की तरह। ठीक उसी तरह कह रहे हैं, इल्म से दिमाग रोशन हो जाता है जैसे तेल से चिराग। जब हम तेल जो है चिराग में डालते हैं तो रोशन हो जाता है। इल्म से दिमाग रोशन किससे बताया? तेल से चिराग से। खेल से दिल इस तरह खुश होता है हो जाता है जैसे फूल खिल जाए। तो इस तरीके की जो तशबीह दी है, इस तरीके के एग्ज़ाम में पूछा जाता है बेटा कि तशबीह से आप क्या समझते हैं, मैं मिसाल समझाएं। और ये 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि तशबीह से आप क्या समझते हैं, मैं मिसाल समझाएं। तो सिंपल सा एक लाइन में आंसर कर देना कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की से। नहीं, यहाँ दोनों में से जो दो दिया है यहाँ से कर सकते हैं कि दिल से, खेल से दिल इस तरह खुश होता है जैसे फूल खिल जाए। इस तरीके से भी लिख देंगे तो मिसाल में, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कर सकते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम सभी इसका सवाल जवाब हल करेंगे। ओके, और हाँ बेटा, एक बात मैं बताती चलूँ, आप सबको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि एग्ज़ाम में आपके एक सवाल और पूछा जाता है कि इस नज़्म का नाम लिखेंगे। जैसे छुट्टी का दिन, नज़्म का मरकज़ी ख्याल बयान करें। ये 5 नंबर का पूछा जाता है बेटा, 4 से 5 नंबर का आता है ये। तो बस इतना सा आप लिख देना कि पढ़ने के साथ साथ खेलना भी चाहिए, छुट्टी के दिन खूब खेलना चाहिए क्योंकि खेल से सेहत अच्छी रहती है और इल्म से दिमाग रोशन होता है। या आपने जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो भी तशरीह की, वो चीज़ आप अपनी ज़बान में बयान कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसका सवाल जवाब हल कर लेते हैं बेटा। शायर ने छुट्टी के दिन को बच्चों को क्या मशवरा दिया है? तो शायर ने मशवरा दिया है कि छुट्टी के दिन खूब खेलना चाहिए, खेलने से बच्चे तेज़ हो जाते हैं और सुस्त नहीं रहते। खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल इससे बहुत पूछा जाता है। खेलने से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, क्या रहते हैं? तंदुरुस्त रहते हैं, जहन तेज़ हो जाता है और जिस्म चुस्त। इसी तरह पढ़ने, इसलिए पढ़ने के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा सवाल है बेटा कि इल्म से दिमाग किस तरह रोशन हो जाता है? तो जिस तरह तेल डालने से चिराग रोशन होता है, इसी तरह इल्म हासिल करने से भी दिमाग हमारा रोशन हो जाता है, क्योंकि इल्म से इंसान वो बातें जान लेता है जिसका उसे पहले इल्म नहीं होता है ना। इल्म बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत 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 ज़रूरी हर इंसान के लिए। एक पढ़ा लिखा इंसान अपना अच्छा बुरा, हर तरह की चीज़ें सोचने की सलाहियत होती है उसके अंदर। एजुकेशन, इल्म अगर ना हो तो इंसान को लोग कहते हैं कि जानवर के मानिंद उसे मानते हैं। ठीक, तो इसलिए कोशिश करो कि आपके अगल बगल में कोई भी ऐसा ना हो जो पढ़े ना। उसे कोशिश करो, उसे मोटिवेट करो, उसे जागरूक करो, उसको खूब मोटिवेट करो कि वो इल्म हासिल करे और अपने घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी खूब तालीम हासिल कराए। ओके, शायर ने किन चीज़ों से गाफिल ना रहने के लिए कहा है बेटा? तो शायर ने कहा है कि शायर ने कहा है कि इल्म हासिल करने और खेलने से गाफिल नहीं रहना चाहिए। पढ़ने के वक्त खूब पढ़ें और खेलने के वक्त खूब खेलें। तो बेटा, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी इसे अपनी कॉपी पे खूबसूरत सी राइटिंग में लिखेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक कराएंगे। और बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी।
ओके बेटा, और खुश रहें, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, खूब इल्म हासिल करें, अपने वालिदैन का, अपने उस अपने स्कूल का खूब नाम रोशन कर दें, खूब रोशन करें, हमेशा कामयाब रहें। बाय बाय बेटा, अपना ख्याल रखें।